लाजपत नगर में चाकू से वार कर प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या। घर वालों के मुताबिक पहले भी दो बार हो चुके थे हमले। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने तीन टीमें गठित की। आसपास के लोगों से पूछताछ कर जांच शुरू। बिहार के समस्तीपुर मिलित युवकों से बेरहमी। पुरानी चुनावी रंजिश में पूर्व सरपंच ने हाथ पैर बांध कर की पिटाई। दरभंगा में डायन होने के आरोप में दलित महिला को यूरिन पिलाने की कोशिश। पीड़ित ने गांव छोड़ा। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली लड़की ने बदला बयान। कहा नहीं हुई ऐसी घटना। मामले में गिरफ्तार हुए थे एमएलसी। दिल्ली के कथित हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में नया मोड़। रशियन लड़की ने कहा सान्याल और दूसरे आरोपियों के खिलाफ बयान देने के लिए पुलिस ने डाला दबाव। लड़की के मुताबिक वो सान्याल के साथ मर्जी से रह रही थी। पुलिस पर बयान दर्ज नहीं करने का लगाया आरोप। कटिहार में बलरामपुर के विधायक महबूब आलम ने इलाहाबाद बैंक के मैनेजर को मारा थप्पड़। मैनेजर ने अपनी कुर्सी पर नहीं बैठने दिया तो हुए आग बबूला। आरोपी विधायक ने मैनेजर को धक्का देकर निकाला दफ्तर से बाहर। पीड़ित मैनेजर ने अपने सीनियर और पुलिस से की शिकायत। पठानकोट में बुजुर्ग महिला से पर्स छीनकर भागे दो बाइक सवार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। आरोपियों का अब तक सुराग नहीं। मुरादाबाद में एक युवक की खौफनाक वारदात। प्यार में रोड़ा बने दोस्त के बच्चे को रामगंगा में फेंका। दोस्त की बीवी से था अफेयर। आरोपी ने अपने दोस्त को बताया कि बच्चे के खेलते समय बच्चा नहर में गिरा, लेकिन पूछताछ में सामने आई सच्चाई हुआ गिरफ्तार। यूपी के भदोही में नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक की चपेट में आया कांवड़िया। मौके पर ही मौत। नाराज कांवड़ियों ने किया हंगामा। बीकानेर में सेना के जवान से 18 करोड़ की हेरोइन, विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद। पुलिस ने किया गिरफ्तार। उड़ीसा के बौद्ध जिले में बीजेडी नेता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप। मंत्री को काला झंडा दिखाकर विरोध करने पर किया हमला। गुजरात के मोरबी में 20 से ज्यादा दुकानों में चोरी की वारदात। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में सरेआम बाइक ले उड़े दो चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी। आरोपियों का अब तक सुराग नहीं। यूपी के मऊ में होमवर्क नहीं करने पर मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई। आरोपी टीचर के खिलाफ जांच में जुटी पुलिस। हावड़ा में 10वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या। पुलिस ने मृतक के दो दोस्तों को पकड़ा। जांच जारी। दक्षिण 24 परगना में एक घर पर छापेमारी के बाद चार लुटेरे गिरफ्तार। 12 देसी बम समेत कई हथियार भी बरामद। गुड़गांव कमिश्नर के पद से नवदीप विर्क का रोहतक हुआ तबादला। उनकी जगह संदीप कीरवार बनाए गए नए पुलिस कमिश्नर। आज पटियाला हाउस कोर्ट के सामने मुख्यमंत्री केजरीवाल होंगे हाजिर। 2013 के चुनाव के दौरान एफिडेविट में गलत जानकारी देने का आरोप। विवादित बयान मामले में गिरफ्तार दयाशंकर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कल मऊ कोर्ट में हुई थी पेशी। जेल जाने से पहले दयाशंकर सिंह ने कहा दम हो तो सीएम अखिलेश यादव, मेरी बेटी और मां को गाली देने वालों को पॉक्सो एक्ट के तहत भेजे जेल। शुक्रवार को बक्सर में इसी घर से हुई थी दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी। बिहार पुलिस और यूपी एसटीएफ ने की कार्रवाई। राजस्थान के दौसा में करोड़ों की ठगी का खुलासा। तांबे की सुराही और एंटीक बताकर लगाकर चूना। 12 लोग गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हवाला का पैसा लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 6 आरोपी गिरफ्तार। लूट की 23 लाख रकम भी बरामद। 23 जुलाई को गुजरात के कारोबारी से हुई थी लूटपाट। गैंग को चलाने और प्लानिंग का काम करती थी महिला। 28 जुलाई को चेन्नई के करीब से अगवा इंजीनियर को पुलिस ने रिहा कराया। 4 आरोपी भी गिरफ्तार। अहमदाबाद के विमेन प्रोटेक्शन होम से 14 नाबालिग लड़कियां फरार। 6 को पुलिस ने पकड़ा। बाकी की तलाश जारी है। छतरपुर से बीजेपी विधायक आरजेडी प्रजापति ने खनिज माफियाओं से जान का बताया खतरा। गृहमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांगी सुरक्षा। मुंबई में मानव तस्करी का मामला आया सामने। 14 साल की नाबालिग लड़की को 50,000 में खरीदा। पुलिस ने 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। बिजनौर में आधा दर्जन महिलाओं को शिकार बनाने वाली लेडी किलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान। करौली पुलिस ने इनामी बदमाश को दबोचा। पैरोल में रिहा होने के बाद लंबे समय से फरार था आरोपी। पटना में नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया। एक महिला गिरफ्तार। 3 लड़कियां छुड़ाई गई। उज्जैन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भांजा बताकर 80,000 की ठगी। झांसे में आए बीजेपी विधायक मोहन यादव। बीजेपी विधायक ने ठगे जाने का एहसास होने पर जीआरपी थाने में दर्ज करा शिकायत। पुलिस जांच में जुटी है। गाजियाबाद से लापता 6 साल के बच्चे का शव निर्माणाधीन मकान के सेफ्टी टैंक से मिला। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ 3.34 करोड़ का घपला। एटीएम में पैसे डालने वाले एजेंसी के कर्मचारी ने वारदात को दिया अंजाम, तीनों फरार। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 16 साल की लड़की की गला दबाकर हत्या, हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश। लखनऊ में कांग्रेस का मेगा शो, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा सिर्फ सूट वोट वालों के लिए चलेगी बुलेट ट्रेन। महंगाई को लेकर भी राहुल ने साधा निशाना, कहा किसानों से 50 रुपए किलो खरीदी जाती है दाल और 200 रुपए किलो खरीदते हैं किसान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 अगस्त को कानपुर में करेंगे रैली, तहसील स्तर के कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले एमएनएस राज ठाकरे, बीएमसी चुनावों के मद्देनजर दोनों भाइयों के साथ आने के कयास। अगले हफ्ते राज्यसभा में आएगा जीएसटी बिल, मंगलवार को हो सकती है चर्चा, केंद्र सरकार ने जताई पास होने की उम्मीद। बिहार में एक्साइज संशोधन विधेयक 2016 के प्रावधानों पर घमासान, खुद एक्साइज मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने उठाए सवाल। घर में शराब पाए जाने पर गिरफ्तारी के प्रावधान से नाखुश है एक्साइज मंत्री, पिछले हफ्ते नीतीश कैबिनेट ने बिल पर लगाई है मुहर। टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर, सिख रेजिमेंट में बने लेफ्टिनेंट। अनुराग ठाकुर को लेनी होगी 1 महीने की ट्रेनिंग, संसद सत्रों और बीसीसीआई की अहम जिम्मेदारी के बीच निकालना होगा वक्त। राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्षद ने भीख मांगकर किया प्रदर्शन, शहर की गंदगी और काम नहीं होने का आरोप लगाकर जताई नाराजगी। काले हिरन मामले में सलमान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, सरकारी वकील का विश्नोई समाज ने किया स्वागत। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र को गोहत्या रोकने के लिए 6 महीने के अंदर बनाने का दिया निर्देश। मंदसौर में महिलाओं के पिटाई मामले में मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग, मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शन की दी चेतावनी। हिंदू महासभा ने निर्दोष कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया कार्रवाई का लगाया आरोप, कहा मांस की तस्करी नहीं रुकी तो बार बार हाथ मिलेंगे कानून। आजमगढ़ में यूपी के मंत्रियों के कार्यक्रम में टेंट से अचानक गिरने लगा पानी, वहां मौजूद विधायक और नेता भी हुए हैरान। समस्तीपुर में सामने आया बच्चों के स्टंट का वीडियो, फंती बूढ़ी गंडक नदी में पुल से लगाई छलान। मध्य प्रदेश का शाजापुर में बारिश के चलते बड़ा नाला में उफान, पुल के अभाव में जिंदगी दांव लगाकर रस्सी के सहारे पार करने को मजबूर ग्रामीण। पंजाब के बठिंडा में नहर में करीब 70 फीट की आई दरार, 2000 एकड़ की फसल बर्बाद, प्रशासन के मुताबिक चूहों की वजह से खड़ा हुआ संकट। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न, सड़कों पर आया नाले का गंदा पानी, लोग परेशान। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह असम का करेंगे दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात की लेंगे जानकारी। असम के 22 जिलों में करीब 19 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, अब तक 20 लोगों की हो चुकी है मौत। लखीमपुर, गोलाघाट, बोगई गांव, जोरहट सबसे ज्यादा प्रभावित, मदद में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना। कल मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बाढ़ वाले इलाके का किया जायजा, प्रभावित लोगों से की मुलाकात। गुड़गांव में 22 घंटे तक लगे जाम की समीक्षा के लिए आज चंडीगढ़ की टीम कर सकती है मुआयना, एनडीआरएफ टीम भी हालात का लेगी जायजा। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में करीब 300 मीटर तक पुरानी रोहतक रोड धंसे से लगा लंबा जाम, जलपोर्ट पर लापरवाही का आरोप। दिल्ली में आईटीओ पर भी बीती रात थम गई ट्रैफिक की रफ्तार, रुक रुक कर हो रही बारिश से बड़ी मुसीबत। बीती रात नोएडा के सेक्टर 37 से कालिंदी कुंज तक भी बड़ी मुसीबत, कई घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी में एक हफ्ते से हेलीकॉप्टर यात्रा प्रभावित, यात्रियों की बड़ी परेशानी। कटिहार में अनाज के अभाव में भूख से बेहाल हुए बाढ़ प्रभावित, प्रशासन के दावों के बाद भी राहत कैंप्स में लोग खाने को मोहताज। लापता विमान AN-32 में सवार एयरमैन रघुवर वर्मा के घर वालों की आस जगी, कहा अभी भी उनके मोबाइल पर हो रहा है रिंग। आईएएफ अधिकारियों ने घर वालों से मुलाकात कर ली जानकारी, कॉल डिटेल्स की जांच का दिया भरोसा। पुणे बिल्डिंग निर्माण के दौरान हुए हादसे में कुल 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, कल हुई घटना में गई थी 9 लोगों की जान। हावड़ा के एक भीड़ वाले रेस्टोरेंट में भीषण आग से मची अफरा तफरी, एलपीजी से लीकेज के बाद आग लगने की आशंका। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 5 अगस्त तक बढ़ी, 2 दिन के छुट्टियों के चलते फैसला। जान देकर और जान लेकर देश की शान कायम रखने वाले शहीद संदीप उन्नीकृष्णन और अशोक चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह की वीर गाथा रात 10 बजे वंदे मातरम में।
यूपी के कौशाम्बी में केमिस्ट्री टीचर की मांग को लेकर धरने पर बैठे नवोदय विद्यालय के छात्र स्कूल में की तालाबंदी। दिल्ली में हरियाली सावन की तीज कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी हुए शामिल। तीज पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाए सावन गीत, झूम उठी महिलाएं। हिलरी क्लिंटन को राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार बनाए जाने पर लखनऊ के जबरौली गांव में खुशी की लहर, 2014 में इसी गांव में बिल क्लिंटन ने किया था दौरा। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में दिखी भाईचारे की मिसाल, बड़ी संख्या में मुस्लिम भी कांवड़ियों की कर रहे हैं मदद। रायपुर में स्कूली बच्चों ने सेना के जवानों के लिए भेजी राखी, ट्रक को खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दिखाई हरी झंडी। बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर पर जारी हुआ डाक टिकट, 300 रुपए देकर अपनी तस्वीर के साथ बनवा सकते हैं खास डाक टिकट। दशरथ मांझी पर भी डाक टिकट जारी, माउंटेन मैन ने अकेले पहाड़ काटकर बनाया था रास्ता। झारखंड के रामगढ़ में गड्ढे में फंसा हाथी का बच्चा, 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे निकालने में मिली कामयाबी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से दूसरा टेस्ट मैच, भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को झटका, अंगूठा फ्रैक्चर होने से मुरली विजय बाहर, लोकेश राहुल होंगे जगह। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट में दिलचस्प मोड़, आखिरी दिन कंगारुओं को जीत के लिए चाहिए 185 रन, 7 विकेट हाथ में। रेसलर नरसिंह यादव पर आज नारा सुना सकती है फैसला, डोपिंग केस में गुरुवार को सुनवाई हुई थी पूरी। रियो शहर में ओपनिंग सेरेमनी के करीब पहुंचा ओपनिंग ओलंपिक टॉर्च, 5 अगस्त को माराकाना स्टेडियम में होगा आयोजन। अमेरिका के सैनडियागो में मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस वाले की मौत, सुरक्षा बलों ने एक घर की घेराबंदी करके आरोपियों की तलाश। यूक्रेन के सुमी में एक डिफेंस फैक्ट्री में जोरदार धमाका, एक नाटो प्रतिनिधि समेत 3 लोगों की मौत। लीबिया के शिरते में ISIS के खिलाफ लड़ाई तेज, आतंकी संगठन की पकड़ खत्म करने के लिए सेना ने। सलमान खान से किसी भी विवाद से संजय दत्त ने किया इनकार, कहा वो मेरे छोटे भाई जैसे, समय की कमी की वजह से ज्यादा नहीं हो पाई मुलाकात। कल संजय दत्त ने मुंबई में मनाया अपना 56वां जन्मदिन, पत्नी मान्यता ने तोहफे में दिया नई ऑडी कार। एक बार फिर बनेगी संजय दत्त और महेश मांजरेकर की जोड़ी, मराठी फिल्म के रीमेक दे धक्का में निभाएंगे मुख्य भूमिका। 7 अगस्त को दिखेगा फिल्म शिवा का पहला लुक, पब्लिक डिमांड पर अजय देवगन ने किया फैसला। सिंगर मोहित चौहान की बढ़ सकती है मुसीबत, कंसर्ट रद्द करने पर अमेरिका के एक फॉर्म कर सकता है कानूनी कार्रवाई।